किसान भाइयों, आज के इस पूरे भाग में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जी हाँ, कचरे से कैसे बनाए कंपोस्ट, वो भी सबसे उत्तम दर्जे का वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, आज खेती के लिए आवश्यक रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बढ़ती हुई खपत से कई समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे खेती में लागत का अधिक हो जाना, जल और मिट्टी का प्रदूषित हो जाना। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करें। जैविक खाद का उपयोग एक ऐसा ही वैकल्पिक उपाय है जिसके द्वारा हम टिकाऊ खेती कर सकते हैं। जैविक खाद में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन सबसे सरल और अच्छा माना जाता है। कृत्रिम विधि से केचुआ पालने को वर्मी कल्चर कहते हैं और इन्हीं केचुए से प्राप्त बेकार कार्बनिक पदार्थों को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो आइए हमारे विशेषज्ञ से जानिए कैसे करें कचरे से कंपोस्ट की तैयारी। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत कॉमन चीज है, लेकिन कुछ न कुछ सावधानियां की जरूरत पड़ती है। हम इस पे काम कर रहे हैं 1997 से, लगभग 14 साल से ऊपर हो गया है। नहीं तो मैं करीब करीब 5000 से ऊपर टंकी बनवाया हूँगा और इंडिया का पहला कमर्शियल प्लांट जिसकी कैपेसिटी 10,000 टन पर एनएम से मैंने लगाया था भोपाल में, आज प्लांट एग्जिस्ट कर रही है। 5000 से ऊपर टंकी में हार्डली 500-600 सर्वाइव कर रहे हैं आज, बीच में कुछ बंद हो जाती है मोस्टली। कारण क्या है कि प्रैक्टिकली हम साउंड नहीं है, कुछ हमारी कमी, कुछ आपकी कमी, कुछ हम ध्यान नहीं देते हैं। हम डील करते हैं जीव से, केचुआ सजीव है, वही हमारा फैक्ट्री का कारखाना है, वही मशीन है। सजीव से डील करते हैं, सब कुछ करता है, वो चलता है, टहलता है, सांस लेता है, रिप्रेशन करता है, केवल बोल नहीं पाता है। उसकी आवाज़ नहीं, तकलीफ हो हम समझ नहीं पाते हैं, बिना कुछ कहे वो मर जाता है। एक बार अगर मर गया कॉपी पैड ले तो फिर उसके बाद से निकालना मुश्किल है। तो मरे नहीं, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये अगर मैनेजमेंट कर लिए बाकी सब कर लिए। 90% लोग गलत तरीका अपनाते हैं। कहिए कैसे, टंकी बनाए, गोबर भर दिए, केचुआ छोड़ दिए, कहे हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। कंसेप्ट ये नहीं है। इसके 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। पहला है मिट्टी। मिट्टी क्या है, वह प्राकृतिक निवास स्थान है केचुआ का। किसी भी प्रजाति का केचुआ हो, चाहे वो फाइटोफेगस हो या जियोफेगस हो, या जियोफाइटोफेगस है मतलब कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो मिट्टी में रहती है, केवल मिट्टी खाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जियोफेगस। कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो मिट्टी में रहती है लेकिन मिट्टी में लगा कचड़ा खाती है, उसको बोलते हैं जियोफाइटोफेगस। कुछ प्रजातियाँ ऐसी है जो मिट्टी में रहती है लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने बिल में ले जाती है, उसके ऊपर भोजन करती है, वो है फाइटोफेगस। फाइटोफेगस का उपयोग हम वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं, न कि जियोफेगस जियोफाइटोफेगस। कारण क्या है कि जो भी हम मटेरियल इंतजाम कर रहे हैं, चाहे गोबर हो, प्लांट पार्ट हो, धान का भूसा हो, सब प्लांट पार्ट, सब प्लांट डेरा हुआ है, तो इसलिए फाइटोफेगस का उपयोग करते हैं। आइए, सबसे अच्छी होता है, मतलब ऊपर से खा के नीचे भागता है। इसकी इतिहास बहुत पुरानी है, आज हम इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन जिसका नाम सुनेंगे आपको, सुकरात का नाम, अरस्तु, उन्होंने कहा था कि धरती की आँत है। उस जमाने में बहुत बड़े दार्शनिक थे। धरती की आँत है तो आँत क्या करता है, पाचन का काम करता है, तो मिट्टी को डाइजेस्ट करती है। फिर जमाना बढ़ा, डार्विन का जमाना आया, उसने कहा कि यह प्राकृतिक हलवा है। हल क्या करता है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, मतलब टर्निंग करता है। ये सारे प्रॉपर्टी अगर आ गए इसके, तब वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा कि भाई क्यों ना इसके प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग कचड़े के निष्पादन में करें। तो इसके 3 कंपोनेंट मैंने बताया कि एक पाला मिट्टी इसका निवास स्थान है, घर है। दूसरा है FYM, मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, वह कंडीशनर है। कंडीशन ऐसा करना ताकि ये बढ़िया बढ़े, बढ़िया ग्रो करे, बढ़िया कंपोस्ट पैदा करे। तीसरा कंपोनेंट जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, उसका भोजन है।
एफवाइम कंडीशनर हो गया, ऑर्गेनिक भोजन हो गया, सॉयल हो गया, नेचुरल हार्डवर्क, ये तीनों को जब तक हम सामंजस्य नहीं करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग हम पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल गोबर में केचुआ डालेंगे तो भी खाएगा, खाद बनाएगा, वो भी वर्मी कंपोस्टिंग कहलाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी पूरे इंडिया में, गोबर की क्वालिटी लोकेशन वाइज बदलती है। मेन मकसद हमारा है कचरे का निष्पादन कैसे करें इस टेक्नोलॉजी से, मतलब कचरा और गोबर का उपयोग कैसे करें। अगर मान लीजिए आपके पास गोबर कम है, कचरा बहुत ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए? कचरा कम है, गोबर ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए? मिनिमम 35% गोबर का उपयोग करना चाहिए, विथ वेट बटे वेट, मतलब एक भाग गोबर दो भाग कचरा। अगर कचरा कम है तो दो भाग गोबर एक भाग कचरा, उसको मिला करके कुछ दिन बाहर में छोड़ दीजिए। पहले क्या कंसेप्ट दिए थे कि एक लेयर लगाइए कचरे का, फिर गोबर दीजिए, फिर लेयर का, फिर गोबर दीजिए, न किसान के पास इतना पेशेंस है, न उनके पास समय है, वो उग जाते हैं, छोड़ देते हैं। उससे बचने के लिए सरल उपाय है, जो भी पास आपके पास अवेलेबल ऑर्गेनिक वेस्ट हो, ईटा पत्थर पॉलिथिन सबको छोड़ कर, जो सड़ता नहीं है, उसको छांट के बाहर कर लें, गोबर कचरे को मिला करके कुछ दिन छोड़ दें बाहर, 20 से 25 दिन। बाहर क्यों छोड़ें? तो जब हम नया नई ढेर लगाते हैं कचरे का, उसमें कुदाल लगाते हैं, तो देखते हैं धुआं निकलता है, गौर किए होंगे, धुआं कब निकलता है? जब 75 के ऊपर टेम्परेचर गया, ठीक है ना, तब धुआं निकलता है। और ये है बड़ी सुकुमार, जितने सुकुमार हम हैं उससे ज़्यादा सुकुमार ये है केचुआ। अगर मान लीजिए सब उनका टेम्परेचर कभी गया 46-42, जिंदा रह जाते हैं। कश्मीर में जाता है 0 के नीचे 5 के नीचे लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर 42 के ऊपर टेम्परेचर गया, 5 के नीचे गया, इसमें मोर्टेलिटी हो जाती है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब भाप कम निकला, जब 75 के ऊपर टेम्परेचर, भाप निकलेगा तो उसको हमको अवॉइड करना है। भाप वाली प्रक्रिया 20 दिन में ख़त्म हो जाती है, उसको छोड़ना है। उसके बाद टेम्परेचर चेक करिए, कहिएगा थर्मामीटर कहाँ, कैसे चेक करेंगे टेम्परेचर? सवाल है ना, कैसे चेक करेंगे टेम्परेचर उसका कि नॉर्मल हो गया केचुआ के लिए? हाथ थर्मामीटर है। बुखार कैसे नापते हैं? किसी को छुए, हमको गर्म लगा, मतलब इसको बुखार है। बॉडी टेम्परेचर कितना आपका है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे ऊपर चीज़ हमको गर्म लगेगी। कचरे गोबर के ढेर में हाथ दिए, हाथ को गर्मी नहीं लगा, हाथ बर्दाश्त कर लिया, केचुआ बर्दाश्त कर लेगा। हाथ को गर्मी लग गई, केचुआ को गर्मी लगेगा, ठीक है ना। ये चेक कर लिए टेम्परेचर हाथ घुसा करके। दूसरी प्रक्रिया है आपको मॉइस्चर चेक करना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कम नमी में भी खराब होता है, ज़्यादा नमी में भी मर जाता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर है इसका 65% भार बटे बार, 65%। अब कहिए कैसे नापेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर? ना तो वहाँ लैब है, ना ओवन है, कैसे नापेंगे? सिंपल तरीका है, कचरे गोबर का मिक्सचर को आप हाथ में लें, जोर से दबाएँ, 4 से 5 बार दबाएँगे, पानी उसमें इतना हो कि आपके पोर भींग जाएँ, लेकिन पोर से पानी गले नहीं, पोर में पानी आ जाए लेकिन पोर से पानी चुए नहीं, इस मॉइस्चर पर केचुआ को तकलीफ नहीं होगा। उस मॉइस्चर को अगर लैब में हम नापेंगे तो लगभग रेंज जाएगा 65-68%, ठीक है। ये मॉइस्चर चेक कर लिए, नमी चेक कर लिए, आधा काम हमारा खत्म। किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं कि गोबर और कचरे के प्रयोग से कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएं। साथ ही आपने जाना गोबर और कचरे का तापमान और आर्द्रता कैसे चेक करें। अब बात करते हैं कि इन कचरों और गोबर से कैसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और इसकी विधि कौन कौन सी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मुख्य रूप से 3 विधियां हैं जिससे कि आसानी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। पहली है टंकी विधि, और दूसरी है क्यारी विधि, और तीसरी ढेर विधि। आइए इन विधियों में कौन सी बेहतर विधि है इसके बारे में अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। टंकी विधि, ढेर विधि, क्यारी विधि, बहुत सारी विधियां हैं, किसी विधि अपना सकते हैं, लेकिन हर एक विधि की कुछ डिमेरिट है, कुछ मेरिट है। हमने क्या कहा कि मिट्टी इसका घर है, टंकी क्यों बनाते हैं? उसके घर से उसको अलग करते हैं। अगर ज़मीन पर ना फ्लोर किए हुए टंकी बना देंगे, अगर वो अपने घर में चला गया वापस नहीं ला पाएंगे।
क्योंकि हम डील करते हैं ईपीजे शतभक्षी प्रजाति से, जो कि फाइटोफेगस, उसको हम निकाल के लाए हैं, आइसोलेट किए हुए हैं। जब मिट्टी में टच करेगी, मिट्टी को छेद करेगी, मिट्टी में अगर घुस गई, फिर वहाँ से हम नहीं ला पाएंगे। उससे दूर करने के लिए हम टंकी का इजाद करते हैं, ठीक है। है निशाचर जिनके पास टंकी हो, अगर रात में अपनी टंकी के पास जाएंगे, ऊपर एक्टिव आपको दिखता मिलेगा, निशाचर है, सूर्य का प्रकाश प्रिफर नहीं करता है, इसीलिए ऊपर शेड लगाते हैं, ठीक है। ऊपर शेड लगाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़े, ठीक है। आपके पास जो भी मटेरियल हो, कचड़े गोबर का मिक्सचर तैयार कर लिए, टेम्परेचर चेक कर लिए, मॉइस्चर चेक कर लिए, उसको टंकी में भर दें। दूसरी विधि है क्यारी विधि। टंकी की ऑप्टिमम साइज हम लोग लिखते हैं 10x3x2.5। टंकी के लंबाई में कोई परेशानी नहीं है, जितना जगह हो उतना लंबा बना लीजिए, लेकिन चौड़ाई गहराई पर पाबंदी है। पाबंदी इसलिए है कि नॉर्मल आदमी झुक करके मैक्सिमम 1.5 फीट काम कर पाता है, तो 3 फीट अगर चौड़ी टंकी रहेगी, 1.5 फीट काम इधर से किए, 1.5 फीट उधर से किए, 3 फीट कवर हो गया। अगर अधिक चौड़ी कर देंगे तो बीच का लेयर बच जाएगा, वहाँ निकालने के लिए अंदर हमको पैर रखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पैर पड़ेंगे, फिर नुकसान करेगा। गहराई पाबंदी है, मैक्सिमम 3 फीट, क्योंकि 3 फीट के ऊपर फिजिक्स लागू हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, एरेशन घटा, सफोकेशन हुआ, केचुआ मरने लगा। तो गहराई मैक्सिमम 3 फीट, जनरली किताब में लिखते हैं 2.5 फीट, क्योंकि 2.5 फीट लिखते लोग अधिक बना लेते हैं, मैक्सिमम 3 फीट बनाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं बनाएंगे, 3 अगर लिखेंगे लोग 4 बना लेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो लंबाई पर कोई पाबंदी नहीं, चौड़ाई गहराई पर पाबंदी है। क्यारी विधि 3 फीट के ऊपर डेवलप होता है प्रेशर ग्रेडियंट, अगर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो उसके बाद कॉम्पैक्शन चालू हो जाती है, ढेर में कॉम्पैक्शन अगर चालू हो गया, एरेशन घट गया, अगर एरेशन घटा तो सफोकेशन हुआ, मोर्टेलिटी हुई केचुआ में। कॉम्पैक्शन को दूर करने के लिए मैक्सिमम गहराई 3 फीट इसकी है, अब ना एयर का लोड पड़ता है, कॉम्पैक्शन ज़्यादा हो गया, उसको अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम गहराई उसकी 3 फीट, उसके बियॉन्ड नहीं। उसके बाद सपोज मान लीजिए आप जो भी कचरा गोबर तैयार किए हैं उसको आप टंकी में भर दीजिए। दूसरी विधि है क्यारी विधि, उसकी गहराई केवल हम कम कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई वही है, गहराई कम के पीछे रीजन है ताकि औरतें बैठ के काम कर सके, उनको सहूलियत हो काम करने, इसलिए 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर गहरा टंकी उसमें भी कर सकते हैं। तीसरी विधि है ढेर विधि, सबसे इकोनॉमिकल है कॉमर्शियल स्केल के लिए। कुछ नहीं करना है, सतह को कंक्रीट कर लीजिए, उसके ऊपर जितना आपको जगह है उतना ढेर बनाइए, लेकिन हाइट रखिए मैक्सिमम वही 3 फीट, उसके बियॉन्ड नहीं। जनरली अगर मान लीजिए 30 फीट लंबी, उसी प्रपोज में 6 फीट चौड़ा करते हैं, ढेर में अगर 6 फीट चौड़ी करते हर्जा नहीं है, कि ओपन है निकाल लेंगे चारों तरफ से, लेकिन टंकी में 6 फीट करेंगे हर्जा है। जनरली 30x6x3 की एक ढेर बनाइए, मतलब कि 540 CFT का एक ढेर हो गया, सीरीज में लगा दीजिए ढेर, थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए चलने के लिए, समेटने के लिए। ढेर विधि अगर मान लीजिए सीरीज में ढेर लगा हुआ है तो केचुआ रात को निकलेगा, इससे खाके उसमें भागेगा, उससे खाके उसमें भागेगा, पूरा आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगल ढेर बनाए हुए हैं, बगल में मिट्टी का सरफेस है, टहल के गिरा नीचे निकला तो मिट्टी में चला गया, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। एक ढेर में कुछ दिन तो आप ले लेंगे, बाद में आपको केचुआ फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड है ढेर विधि। किसान भाइयों, अभी तक आपने जाना कि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन के लिए कौन कौन सी विधि उपयुक्त है और कैसे कचरे से कंपोस्ट बना सकते हैं। अब जानते हैं कि इन विधियों से वर्मी कंपोस्ट तैयार कैसे किए जाएं और वर्मी कंपोस्ट कब और कैसे निकालें। इन सभी बातों पर हमारे वैज्ञानिक आपको विस्तार से और बारीकियों से बता रहे हैं। तो जो भी हमने कचरा गोबर का मिक्सचर दिया, टंकी में भरा, क्यारी में भरा, ढेर लगाया, उसके बाद उसके ऊपर जो ठंडा चेक हम कर ही लिए हैं, तो लगभग 1 टन पे 1 से 1.5 किलो केचुआ, थंब रूल है ना, मैक्सिमम 2 किलो केचुआ। आप कहिएगा टन कैसे नापेंगे, टंकी में कितना मटेरियल कैसे अंदाज करेंगे, इसके भी थंब रूल हैं। हमने कहा कि आप काम करिए 65% मॉइस्चर पर, जो कि इसके लिए ऑप्टिमम है। 65% मॉइस्चर पर लगभग 1 CFT में 18 से 22 किलो मटेरियल आते हैं। 10x3x3 की अगर टंकी बनाए हैं, 10×33 90 CFT हुआ, 90×20 कर दीजिए एवरेज में, 18 किलो लगभग 2 टन मटेरियल। केचुआ छोड़ने के 10 से 12-15 दिन के बाद ऊपर बारीक बारीक चायपत्ती की तरह दिखने लगेगी,
कुछ लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, इकट्ठे निकालेंगे, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ा नहीं जाए उसको, क्योंकि उस जब वो फैक्ट्री है, अगर मान लीजिए कास्ट आपको देखता है ऊपर समेटते जाएं, जितना जल्दी आप समेटेंगे उतना उसको फ्रेशनेस रहेगा, उतना एक्टिव रहेगा वो, समेटते जाएं बगल में छाए में रखते जाएं, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया आपकी 70-80 डेज में ख़त्म हो जाएगी। तो 70 दिन अंदर, 20 दिन बाहर, लगभग 90 दिन की साइकिल हुई, साल में 12 महीने, साल में 4 साइकिल। थंब रूल है, जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसका आपका बहुत बढ़िया आपका मैनेजमेंट है तो 40% आउटपुट मिलेगा। इसके पीछे भी साइंस है, क्यों 40% आउटपुट मिलेगा, कि हम काम करते हैं 65% मॉइस्चर पर, स्टोर करते हैं 25% मॉइस्चर पर, ताकि भुड़काव में हमको ईजी हो, 65% भुड़काव खेत में नहीं होगा। तो मॉइस्चर डिफरेंस 40% लॉस इससे हो गया, कुछ रिकम्पोजिशन लॉस हुए, कुछ बाकी हैंडलिंग लॉस हुए, अल्टीमेटली 40% आउटपुट मिलता है। तो 40% आउटपुट मिला, अगर मान लीजिए 10x3x3 की टंकी है, 1800 किलो उसमें आटा है, तो एक साइकिल में 720 किलो मिलेगा, एवरेज 800 किलो कर लीजिए, साल में 4 साइकिल, लगभग 3.5 टन, 3.5 टन मिला, सफिशियंट है 3.5 एकड़ खेत के लिए, ठीक है। अब सवाल है कि कुछ लोग पहले बड़ा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन था कि भाई वर्मी कंपोस्ट डाल दिए, बाकी चीज़ नहीं डालूँ, तो इसको लेमैन लैंग्वेज हम यही एडवोकेसी करते हैं। सपोज मान लीजिए घर में कोई दारू पीता है, उसको कहते हैं बाबू तुम दारू छोड़ दो, आपकी इज्जत करता है, छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीमार हो जाता है, कि बॉडी फिजियोलॉजी उसकी चेंज हो जाती है। हमने वही किया, क्यों हमने यही किया सर, पूरा डिटेल दिखाएंगे आपको पावर पॉइंट में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1950s की बात करें या 60s की बात करें, तो 1 किलो हम लोग NPK उपयोग करते थे तो 13.4 kg गेन मिलता था 60 में, 1 किलो NPK से 13.4 kg ग्रेन मिलता था, एवरेज है। 2010 में क्या हो रहा है, अगर 1 किलो NPK हम यूज़ कर रहे हैं तो 3.7 kg मिल रहा है, क्यों? आज भी गांव में 1960 में अगर 1 किलो हम NPK, आप बकायदा स्लाइड दिखाएंगे सर आपको, अगर 1 किलो NPK हम उपयोग करते थे तो 13.4 kg ग्रेन मिलता था हमको, 2010 में अगर 1 किलो हम उपयोग कर रहे हैं NPK तो 3.7 kg लगभग हमको मिल रहा है या 3.4 kg मिल रहा है, ऐसा क्यों? हमने कुकर्म किया है। कुकर्म कैसे किया है, सबको पता है कोई प्लांट कब बढ़ता है, जब उसके आवश्यक पोषक तत्व से फॉर 16 NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन का पद मैगनीज बोरॉन 16 आवश्यक पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में प्लांट लेता तब वो बढ़ पाता है, अनुपात में गड़बड़ी ग्रोथ में गड़बड़ी। हम क्या डालते हैं खेत में, जनरली 90% केस में यूरिया, अब लोग डालने लगे हैं DAP, SSP छूटिए गया है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अब लेता है 16, हम डालते हैं 3, लेता है 16 हम डालते हैं 3, इसकी कैरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, सॉइल कभी ध्यान दें 4 लीटर है, SOIL सॉइल 4 लीटर है ना, हर एक का अपना अपना अलग अलग मतलब है। किसी भी धर्म ग्रंथ में जाइए, चाहे बाइबिल हो, कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, मिट्टी क्या है, असंख्य जीवों की आत्मा कहता है ना, सबके अपना मिट्टी है, तो वही है सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। ऐसे अगर देखिए तो आत्मा, सोल मतलब आत्मा, ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, असंख्य जीवों की आत्मा, हम क्या कर रहे हैं, वो बोल नहीं, सजीव है, बोल नहीं पा रही है, कुछ भी कर रहे हैं। प्लांट लेता है 16, हम डाल रहे हैं 3, कभी कभी 2, कभी कभी 1, इम्बैलेंस तो पैदा होगा। तो हमारी ड्यूटी है कि जो हम उससे ले रहे हैं उसको वापस करें, वहाँ गलती हम कर रहे हैं। अब इसमें सवाल कभी कभी होता क्या है कि भाई एक बैग हम यूरिया खरीदते हैं 225 रुपये, हमारे कुछ दाम बढ़ गया है, लेकिन एक बैग तो वर्मी कंपोस्ट कहीं मिलता है वो मिलता है 250 रुपये में, क्यों? क्यों यूरिया में है आपको 40% नाइट्रोजन, एक बैग में 23 किलो, इसमें एक बैग में 1.2 kg, ये भी समझता है, उसका जवाब पहले ही है। यूरिया की बात करें केवल नाइट्रोजन, DAP की बात करें नाइट्रोजन फॉस्फोरस, NPK की बात करें NPK का 3 एलिमेंट, इसमें 16 हो, और जिस अनुपात में चाहिए उसी अनुपात में। और तीसरी बात, ये स्टोर हाउस होता है माइक्रोब्स का, इटेरियो ऑफ माइक्रोब्स, चाहे सुडोमोनस हो या राइजोबियम हो, या तो इसमें है या ऐसा कंडीशन बनाता है मिट्टी में वो प्रोलिफरेट कर जाता है, दोनों खर्चा हम इसमें मिट कर सकते हैं।
किसान भाइयों, है ना कमाल, बिल्कुल कचरे से आपके लिए अनमोल कंपोस्ट की तैयारी, और वो भी बर्मी कंपोस्ट, जो कि हमारे फसलों के लिए संजीवनी के समान है। तो आप भी इन विधियों का प्रयोग कर अनमोल वर्मी कंपोस्ट उपजाएं और खेती में अधिक से अधिक लाभ कमाएं।